बेटा आज क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर, और इस क्लास में हम कवर करेंगे स्टैक्स एंड क्यूज, उनके एप्लीकेशन क्या है, किस प्रिंसिपल पे वो काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम आज की क्लास में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, फर्स्ट थिंग। ठीक है, तो वी हैव गॉट अ डेटा, वी हैव टू स्टोर इट इन सच अ वे सो वी कैन रीड इट एंड स्टोर इन सच अ वे दैट वी कैन रीड इट इजिली, एक्सेसिबिलिटी इजी हो, और कुछ इस तरह से हम स्टोर करना चाहेंगे जैसे हमें किस पर्पस के लिए यूज करना है, पर्पस ड्रिवन। पहले पता नहीं ये पर्पस है तो हमें ये पर्टिकुलर वे से स्टोर करें तो इट विल बी इजी टू यूज फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। सो द डेटा स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ स्टोरिंग डेटा सो दैट इट कैन बी यूज इफिशियंटली। ठीक है, तो किस पर्पस से यूज करना के लिए चाहिए हमें, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं। दो टाइप के हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। यू मे बी आस्क डिफरेंस ऑल्सो, लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है, इज वन इन विच द एलिमेंट्स आर अरेंज इन अ सीक्वेंशियल मैनर। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीक्वेंशियल मैनर। फॉर एग्जाम्पल एरे, स्टैक्स, क्यूज एंड लिंक लिस्ट। ठीक है, एरे में डेटा सीक्वेंशियल मैनर में स्टोर होता है, मेमोरी में एक्सेस, मेमोरी में एक्सेस भी सीक्वेंशियल मैनर में कर सकते हैं, रैंडम भी आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो मेमोरी में सीक्वेंशियल मैनर में स्टोर होने से क्या है कि डेटा एक्सेस स्पीड फास्ट होती है। ठीक है, तो ये अगर स्टोर है तो इंडेक्स नंबर, ये जीरो है पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, तो इसका इंडेक्स अगर 100 है, इसका 104, इसका 108, तो डेटा एक्सेस स्पीड फास्ट हो जाएगी। तो यहां पे स्टैक और क्यू क्या है, स्टैक एंड क्यू कॉन्सेप्ट है कि हम इसको रीड कैसे करें या राइट कैसे करें, और जबकि लिंकली से अनदर वे। लिंकलिस में जैसे यहां पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपका साइज 10, 20, 100 जो भी आप चाहते हैं वो पता होना चाहिए और जो बीच में चेंज नहीं हो सकता, जबकि लिंकलिस में क्या होता है कि आपको कितने एलिमेंट है ये पहले से डिसाइड नहीं करना है। आपने एक एलिमेंट लिया, एक नोड बना दिया, स्टोर कर दिया, फिर दूसरा चाहिए उसमें ज्वाइन करा दिया, तीसरा चाहिए ज्वाइन करा दिया। तो जब आपको डेटा चाहिए तब आप एक ज्वाइन कराकर लिस्ट बना सकते हैं। दो तरह की लिस्ट होती है, एक होता है जिसमें स्टार्ट से एंड तक वन साइड से रीड कर सकते हैं, दूसरी में दोनों, वन डायरेक्शनल एंड यूनि डायरेक्शनल। दो तरह की लिंक लिस्ट होती है, डबल एंडेड, सिंगल एंडेड, राइट। पर ये फिलहाल आईएससी के कोर्स से हटा दिया गया। तो ये जो स्टैक और क्यू का कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड आइदर यूजिंग एरे और यूजिंग लिंक लिस्ट। अभी आपके हाथ में है कि आप किस तरह को यूज करना चाहते हैं। ठीक है, अभी जरूरत है तो आप लिंक लिस्ट में भी यूज कर सकते हैं और एरे से भी यूज कर सकते हैं इस दोनों कॉन्सेप्ट को। बट यहां पे एक बात है कि आपके सिलेबस में, आईएससी क्लास 12 के सिलेबस में स्टैक और क्यू का इम्प्लीमेंटेशन केवल एरे से दिया हुआ है। ठीक है, तो हम एरे से ही करेंगे केवल इम्प्लीमेंटेशन, स्टैक क्यू का लिंक्ड लिस्ट का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा डेटा स्ट्रक्चर किस टाइप का है, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर क्या है, किसलिए कहते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स जो है डू नॉट फॉर, एलिमेंट्स आर नॉट इन द सिक्वेंशियल मैनर, दे आर नॉट अरेन्ज इन द सिक्वेंशियल मैनर। कैसे अरेंज है, रैंडम अरेंज है। ठीक है, रैंडम अरेंज है, इसलिए हम इसे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसके लिए फॉर एग्जाम्पल आपका जो बाइनरी ट्री है या ट्री है वो आपका किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, रैंडम डेटा स्ट्रक्चर है। ग्राफ रैंडम डेटा स्ट्रक्चर है, ट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। अब हमें क्या करना है, स्टैक और क्यू करना है। इसमें हमारे टॉपिक के अंदर दो सब टॉपिक है, स्टैक एंड क्यू। तो स्टैक क्या होता है और क्यू क्या होता है वो पढ़ना है। ठीक, राइट। अब स्टैक की बात करते हैं। स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर वेयर द डेटा कैन बी स्टोर्ड और रेड ओनली फ्रॉम वन एंड। ठीक है, ये आपका दे रखा है एक डायग्राम, ये आपका एक एरे है, लेट्स से दिस इज एन एरे। तो इसका एक एंड है, इससे थ्रू आपको आगे बढ़ते जाना है और स्टोर करते जाना है। ठीक है, जब रीड करेंगे तो इसको पहले रीड करा, फिर उसके प्रीवियस वाले को रीड करा, फिर उसके प्रीवियस को रीड किया, फिर उसके प्रीवियस रीड करा। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी रीड करना शुरू कर दें, रिस्ट्रिक्शन फॉलो करनी है तभी वो स्टैक कहलाएगा।
क्या फॉलो करना है, एक रिस्ट्रिक्शन क्या है वो, कि लास्ट इन फर्स्ट आउट होना चाहिए, लास्ट इन फर्स्ट आउट। पहले हम लोग बात करते हैं स्टैक के बारे में एक और, कि नॉर्मल टर्म में यहां अगर हम प्रोग्राम की बात ना करें तो आपने बेटा देखा होगा, सपोज करें ये एक बुक है, सपोज करें ये एक बुक रखी है, ये बुक नंबर वन, इसके ऊपर आपने एक और बुक रख दी बुक नंबर टू, इसके ऊपर एक और बुक रख दी बुक नंबर थ्री, फिर एक और बुक रख दी बुक नंबर फोर। अब इसे हम क्या कहेंगे बेटा, इसे हम कहेंगे स्टैक। अब आपको यहां से बुक पिक करनी है, जब बुक पिक करनी है तो आप सीधे से नीचे वाली बुक को अगर लेने कोशिश करेंगे तो ये आपका स्टैक गिर जाएगा, और ये कोई तरीका नहीं होगा नीचे से खींच रहे है ना। पर ऑर्डर प्रॉपर तरीका क्या होगा, बुक नंबर फोर को हटाइए, फिर थ्री को हटाइए, फिर टू को हटाइए, तब आपको बुक नंबर वन मिलेगी। दिस इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा एग्जांपल आपको देते हैं बैंगल्स का, ठीक है, हाथ में बैंगल्स लेडी से पहनती हैं, तो बैंगल्स एक बैंगल फिर दूसरी बैंगल फिर तीसरी बैंगल पहन ली, ठीक है। अब इस बैंगल्स को कैसे रिमूव करेंगे, अब जो सबसे पहले बैंगल पहनी थी वो सबसे लास्ट में पहुंच चुकी है, अब उसको रिमूव नहीं कर सकते, आपको जो लास्ट में बैंगल्स पहनी थी सबसे आखिरी वाली वो सबसे पहले रिमूव करनी पड़ेगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है दैट इज कॉल्ड स्टैक। सो लेट्स गो फॉर द डेफिनेशन, क्या कह रहे हैं, स्टैक्स इन एन ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर विच अलाउ इंसर्शन मीन्स स्टोर करना एंड डिलीशन मीन्स रिमूव करना एट द वन एंड, दैट इज एंड इज नोन एज टॉप, ठीक है, एक एंड क्लोज है। तो इस तरह से भी बता सकते हैं कि सबसे पहले इसमें स्टोर किया, फिर इधर स्टोर किया, फिर इधर स्टोर किया, रीड करेंगे तो इसी ऑर्डर में रिवर्स में रीड करेंगे, ठीक। इसके बाद मैंने क्या किया, क्या क्या कर सकते हैं स्टैक के साथ, स्टैक में क्या ऑपरेशन है, अभी तक मैंने बात किया कि हम रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, इंसर्ट एंड डिलीट। डेफिनेशन क्या बोला, इंसर्ट एंड डिलीट ओनली फ्रॉम वन एंड, दैट इज नोन एज टॉप। सो व्हाट आर द वेरियस ऑपरेशंस व्हिच कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग स्टैक, दोस ऑपरेशंस आर पुश पॉप, देयर आर टू ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन है पुश, पुश में क्या कर रहे हैं हम, इसमें एक एलिमेंट को एड कर रहे हैं, एड करने का ऑपरेशन क्या करा रहा है पुश, ठीक है। रिमूव यानी रीड करने का ऑपरेशन क्या करा रहा है पॉप, एम्प्टी चेक करना है, रीड करने से पहले अगर हम रीड कर रहे हैं पॉप कर रहे हैं तो भाई रीड कब करोगे, जब उसमें कुछ हो, रीड करने से पहले यह चेक करना पड़ेगा कि भैया इसमें डेटा है या नहीं, अगर डेटा है तो वी कैन रीड, सो दैट इज चेकिंग इट इज एम्प्टी और नॉट। एंड नेक्स्ट थिंग इज पीप, ठीक है, पीप में क्या, पूरे एरे में फिलहाल अभी क्या स्टोर है हम वो देखना चाहते हैं, एक लूप चला के सिंपली देख लेंगे भाई यहां से बिगिनिंग से लेकर टॉप तक क्या क्या स्टोर है, दैट इज नोन एज पीप, ठीक है, डिटरमाइनिंग द लास्ट एडेड एलिमेंट। फिर से डेफिनेशन दे दी है, स्टैक्स इज ऑल्सो कॉल्ड लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये आपसे पूछा जाए कभी कि स्टैक किस कंसेप्ट पे काम करता है, यू विल राइट इट इज वर्किंग ऑन द कंसेप्ट ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज कॉल्ड लीफो। या किसी क्वेश्चन में बताया गया, आपसे पूछा गया कि डिफाइन अ क्लास विच इज वर्किंग ऑन द कंसेप्ट ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड नॉट राइटिंग द नेम, आपको ये नहीं बता रहा कि स्टैक बनाना है, पर वहां पे बता रहा है कि आपको लीफो के कंसेप्ट को फॉलो करना है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि नाउ आई हैव टू राइट द प्रोग्राम फॉर स्टैक, ठीक। अब डिस्कस करते हैं कि हम कैसे बनाएंगे स्टैक का प्रोग्राम। लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज एन एरे 0, 1, 2, 3, 4 ऑफ साइज 5। हमें इनिशियली टॉप की वैल्यू रखी है -1। टॉप एक वेरिएबल है जिसके थ्रू हम इस पर रीड करेंगे या राइट करेंगे, इसके इंडेक्स नंबर को पॉइंट आउट करने के लिए वेरिएबल लिया है टॉप। अब यहां पे हम दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, पुश या पॉप, ठीक। सबसे पहले हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया पुश, अगर हम लेट से पॉप करें रिमूव, हम इसमें क्या कर रहे हैं ऑपरेशन परफॉर्म कर देते पॉप, सो ऑपरेशन ये हो पाएगा।
अभी तो इसमें कुछ स्टोरी नहीं है तो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी रीड नहीं कर सकते। इस समय क्या कंडीशन है, इस समय टॉप की वैल्यू -1 है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि भाई टॉप की वैल्यू अगर -1 है तो यहां से कुछ भी रीड नहीं किया जा सकता, ये इस समय एम्प्टी है। दो बातों पे हो सकती है, या तो टॉप के लिए -1 कब हो सकती है, या तो आपने अभी तक राइट करना ही नहीं शुरू करा, अभी तक इसमें कुछ भी स्टोर नहीं किया तब -1 हो सकती है, या -1 तब हो सकती है जब जो भी आपने राइट किया है सब रीड कर लिया, जब रीड कर लिया तो वापस टॉप -1 हो जाएगा। तो ये एक बात आप ध्यान रखें। अब राइट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ रीड नहीं कर सकते, देख लिया तो आपने कहा +20, आपने ऑपरेशन कहा +20, पहला ऑपरेशन था, दूसरा ऑपरेशन पुश करा, पुश करेंगे तो -1 पे तो पुश नहीं कर सकते आप, -1 क्या है, इंडेक्स आउट हो जाएगा। तो यहां आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है टॉप की वैल्यू को, देन यू हैव टू स्टोर। यू आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट विल बी द स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स करेंगे तो हमारा प्रोग्राम बन जाए, एनालाइज कर रहे हैं। तो टॉप की वैल्यू 20 होने पे आपने टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, टॉप हो गया इस समय 0, फिलहाल मैं इंडेक्स नंबर रिमूव कर दे रहा हूं, टॉप हो गया 0 और ये नंबर स्टोर हो जाएगा क्योंकि हमने ये स्टेप परफॉर्म किए, इंक्रीमेंट कर दिया टॉप को और वहां पे स्टोर कर दिया। अब मैं फिर से कर रहा हूं पुश 40, नाउ वी विल फॉलो द सेम ऑपरेशन, इंक्रीमेंट द टॉप एंड स्टोर समथिंग, ठीक 40। अगेन लेट मी डू द सेम थिंग, पुश सम अनदर नंबर, what it will store, increment the top and store 50, right? So this way it is storing. The value of top is 2. अब मैं अगर इसमें push करूं तो push तो कर सकते हैं, you can see the empty vacant places. Now if I read it, if I pop, ठीक है, तो हम कर रहे हैं अगला operation pop. So what it should return, what it should return, it should return according to the last in first out, it should return 50, this number, ठीक, right, 50 return करना है, तो ये क्या करेगा, return करेगा array के top के element को और उसके बाद top को minus करेगा, क्योंकि top के लिए उसके क्या हो जाने चाहिए, ये empty हो गया, ये टॉप 2 की बजाय क्या हो जाए 1 हो जाए, ठीक है। टॉप की वैल्यू कितनी थी अभी 2 और ये हो जानी चाहिए 1, राइट। अगर हम फिर से पुश करें पुश 45, तो ये जो रीड कर चुके हो आप इसको अब एम्प्टी ही मान लो, वो आप वहां पे एग्जैक्ट एक्चुअली में तो है पर क्योंकि आप उसको दोबारा नहीं रीड कर सकते क्योंकि आप एक ही वेरिएबल के थ्रू रीड कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, तो आप अपने रैंडमली अपने मन से कुछ भी रीड नहीं करेंगे, तो आप रीड नहीं कर सकते डायरेक्ट। तो आपने कहा पुश 40 करें, तो अभी जो इससे पहले हमने लिखा था कि सबसे पहले हमें टॉप को इंक्रीमेंट करना है, टॉप को इंक्रीमेंट करना है और उसके बाद एरे के टॉप पे वैल्यू को स्टोर कर देना है, जो भी वैल्यू है स्टोर कर देना है। तो ये करेंगे तो टॉप की वैल्यू हो गई 2 और आगे हो गया 50 स्टोर। तो टॉप स्टोर कहां कर रहा है, टॉप जहां को भी पॉइंट कर रहा है उसके आगे स्टोर कर रहा है। तो लेट्स से इफ द टॉप इज पॉइंटिंग टू दिस, दिस इज साइज -1, टॉप की वैल्यू लेट्स से 4 हो, तो क्या ये ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता था, 4 है तो इंडेक्स नंबर 5 पे स्टोर करेगा क्योंकि इसके ऑपरेशन के हिसाब से पहले टॉप इंक्रीमेंट करना है और इंडेक्स नंबर 5 पे अगर स्टोर कर लें तो आएगी एरर क्योंकि वहां पे तो अब इंडेक्स आउट हो जाएगा। इसलिए यहां पे एक सिचुएशन और रेज होती है कि हम कह सकते हैं कि अगर टॉप की वैल्यू साइज -1 के इक्वल है, टॉप की वैल्यू अगर साइज -1 के इक्वल है, इट मींस कि अब हम इसे फर्दर स्टोर नहीं कर सकते, और जब हम फर्दर स्टोर नहीं कर सकते दिस सिचुएशन इज नोन एज ओवरफ्लो, विल जस्ट गिव अ मैसेज स्टैक ओवरफ्लो। तो यहां दो बातें और याद रखने की, अगर हम उसे फर्दर स्टोर नहीं कर पा रहे हैं
तो दिस इज कॉल्ड ओवरफ्लो। और अगर हम उसमें से फर्दर रीड नहीं कर सकते, यानी पूरा सब कुछ रीड कर चुके हैं, देन इट इज नोन एज अंडरफ्लो, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। ठीक है, याद रखेंगे, स्टोर नहीं कर पा रहे, ओवरफ्लो, कंडीशन क्या है, टॉप इक्वल टू साइज माइनस वन, रीड नहीं कर पा रहे, सब कुछ रीड कर चुके हैं, तो टॉप की वैल्यू माइनस वन पे ऐसा हो रहा था, तो वो अंडरफ्लो है। ठीक, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर कंसेप्ट, देन वी कैन गो फॉर द प्रोग्राम ऑल्सो। सो लेट्स गो एट, हियर इज द प्रोग्राम, हियर इज द प्रोग्राम इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन चेक हाउ इट इज वर्किंग, व्हाटएवर कॉन्सेप्ट वी हैव डिस्कस, ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स आर इंप्लीमेंटेड ओवर हियर। जो भी कॉन्सेप्ट किए देखते हैं वर्किंग है नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्टैग में एक एरे दे रखी है, ए एन एक नंबर है जो साइज को डिटरमाइन कर रहा है, और टॉप इंडेक्स नंबर को, 90% क्वेश्चन में टॉप ही दिया रहता है, कुछ और नाम देते हैं तो आप क्वेश्चन से समझ जाएंगे कि भाई ये किस लिए दिया गया है। जरूर बताएगा कि भाई नाम बदल देंगे पर काम थोड़ी बदल देंगे। इसके बाद ये है कंस्ट्रक्टर विच इज टेकिंग अ पैरामीटर एज साइज। तो पहला काम, टॉप की वैल्यू माइनस वन ले लीजिए, एन मेंबर डेटा है साइज के लिए, आप साइज को इनिशियलाइज करिए एन, एन इक्वल टू साइज, 5 बोले 50 बोले जो भी बोलेगा वो उसमें एरे का साइज हो जाएगा। फिर ए इक्वल टू न्यू आईएनटी एन से क्या होगा, इस एरे के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, मेमोरी एलोकेट हो गई। दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, पुश पॉप एंड पीप। यूज करने का तरीका आपके हाथ में है, आप किस तरह से यूज करना चाहें अपने हिसाब से यूज कर लीजिए। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकता है, अभी हम लोग करके देखेंगे कि ये क्या कर सकता है। पहली जो डिस्कस किया था कि भाई ओवरफ्लो कब होता है, टॉप की वैल्यू ये फिर से यहां पे इसी पेज पे देख ले, 0, 1, 2, 3 है, एन का वैल्यू इट मींस 4 होगा, टॉप की वैल्यू माइनस वन है, तो माइनस वन तो स्टोर नहीं करेगा, पहला नंबर कहां स्टोर करेगा, 0 पे, यानी वो स्टोर कहां कर रहा है, जहां पे वो लास्ट है टॉप उसके आगे। तो अगर टॉप इसको पॉइंट करे तो फिर इसके आगे स्टोर नहीं कर सकता, टॉप अगर आखिरी में पहुंच गया तो आगे स्टोर नहीं कर सकता। तो ये हमने चेक कर लिया, टॉप के लिए साइज माइनस वन है तो एक मैसेज दिया स्टैक ओवरफ्लो। अदरवाइज क्या कर रहा है, ए प्लस प्लस टॉप इक्वल टू एक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इंपॉर्टेंट। ठीक, तो पहली बार अगर हमने फंक्शन को कॉल किया तो ये ड्राई रन करें, और अगर हम यहां कहें कि हमने ऐसे कुछ करके फंक्शन कॉल कर रखे हैं, पुश 20, पुश 40, पॉप, एसओपी पॉप, ऑब्जेक्ट वगैरह बना के, ठीक है, एसओपी पॉप, एसओपी पॉप, तो क्या रिजल्ट आएंगे। तो पहली बार हमने कहा पुश 20, टॉप के लिए क्या हो जाएगी, प्लस प्लस टॉप से 0, और वहां नंबर क्या स्टोर हो जाएगा, 20। ठीक, फिर से हमने कहा पुश 40, टॉप की वैल्यू बढ़ के यहां से प्लस प्लस टॉप से हो जाएगी 1, और वहां आ जाएगा 40। फिर यहां पे पॉप फंक्शन कॉल कर लिया गया, तो सबसे पहले आप देखें यहां पे टॉप इक्वल टू माइनस वन पे कंडीशन लगा रखी, अंडरफ्लो। यू हैव डिस्कस कि माइनस वन का मतलब इनिशियली माइनस वन है, और माइनस वन अगर है तो अभी तक कुछ स्टोर ही नहीं किया गया, अदरवाइज टॉप के लिए कुछ और हो जाती। तो टॉप के लिए माइनस वन इसका मतलब अंडरफ्लो है, और अब यहां लिखा रिटर्न -999, तो ये क्या है, क्योंकि फंक्शन जो है इसमें रिटर्न टाइप गिवन है तो इसको कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन विल ऑलवेज गिव यू कि भाई अंडरफ्लो होने पे क्या रिटर्न करना है। यू डोंट हैव टू वरी कि ये 999 लिखे या कुछ और लिखे, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक, अब अंडरफ्लो तो नहीं है टॉप के लिए क्योंकि इसमें वन है, तो इसलिए इधर जाएगा आईएनटी एक्स इक्वल टू ए टॉप माइनस माइनस वन। ठीक, तो ए में क्या चला गया, 40 चला गया, और टॉप की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, टॉप की वैल्यू 1 से घट के 0 हो गई, एक्स में 40 है, यानी गेट द लास्ट एलिमेंट एंड एडजस्ट टॉप। ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, लास्ट एलिमेंट को रीड करके टॉप की वैल्यू को एडजस्ट कर रहा है, तो रिटर्न एक्स से आपको मिल जाएगा 40, आउटपुट क्या आया, 40। उसके बाद फिर से पॉप लिखा है, तो अगेन इट विल रीच टू दिस स्टेटमेंट ओनली, तो अभी 20 आ गया एक्स में और टॉप की वैल्यू हो गई माइनस वन, 20 आ गया आउटपुट,
फिर से पॉप कर लिया गया तो अभी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, टॉप इक्वल टू माइनस वन सेटिस्फाई हो गया और क्या दे रहा है स्टैक अंडरफ्लो। तो यहां पे मैसेज आया स्टैक अंडरफ्लो, उसके बाद माइनस 999 भी डिस्प्ले हो रहा है, वो भी डिस्प्ले हो जाएगा, रिटर्न वैल्यू माइनस 999 यहां दे रहा है तो वो भी डिस्प्ले कर देगा। क्लियर? इसका यूज किस लिए करेंगे? स्ट्रिंग रिवर्सल में, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन में एंड रिकर्सिव प्रोसीजर में। स्ट्रिंग रिवर्सल में कैसे यूज कर सकते हैं भाई? अब इसी को हम कहें, इसी प्रोग्राम को चलाएं और यहां पे ये एरे कैरेक्टर टाइप की हो, ये कैरेक्टर टाइप के एरे हो, यहां पर जो हम एक्स पास कर रहे हैं वो कैरेक्टर हो, तो ये क्या है स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को आपको स्टैक में पास करते जाना है। जब आप उसको रीड करेंगे तो वो क्या करेगा, आप रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो यहां पे इसको हम यूज कर सकते हैं, स्टैक में जो भी आप दे रहे हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है तो आप स्ट्रिंग को प्रोवाइड कर दीजिए, अपने आप से रिवर्स कर देगा। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, हम जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, हमने लिखा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इंटू जेड प्लस ए माइनस बी कुछ भी लिखा, तो वो एक्सप्रेशन उस फॉर्म में एग्जीक्यूट नहीं होता, वो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर के अकॉर्डिंग स्टैक में स्टोर किया जाता है, स्टैक की मदद से उसको सॉल्व करता है और वो जो एक्सप्रेशन फॉर्म करता है दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, और हम जो एक्सप्रेशन लिखते हैं वो एक्सप्रेशन कहलाता है इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो हमें यह सीखना है कि किसी भी एक्सप्रेशन को इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करता है। दो तरीके हो सकते हैं, एक डायग्राम के थ्रू हो सकता है स्टैक को, और एक नॉर्मल शॉर्टकट मेथड है, तो हम डायग्राम के थ्रू तो नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे। रिकर्सिव प्रोसीजर, रिकर्सन में जो है जो भी फंक्शन बनते हैं रिकर्सिव, ठीक है, जो भी रिकर्सिव फंक्शन बनते हैं वो स्टैक का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। सपोज करें हमने एक फंक्शन बनाया एबीसी, तो एबीसी फंक्शन एबीसी को कॉल करेगा, उसने जब दोबारा एबीसी कॉल किया तो फिर से एक एबीसी स्टैक में एक नया एलिमेंट बन जाता है, इस तरह से स्टैक को ये फॉलो करता है। और अगर सिंपल सा याद रखें रिकर्सिव फंक्शन को, अभी तो एक फंक्शन ने दूसरे को कॉल किया, दूसरे ने तीसरे को कॉल किया, तीसरे ने चौथे को कॉल किया, तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन क्लोज होगा? ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो सबसे पहले आखिरी में जो स्टार्ट हुआ वही क्लोज होगा, फिर इससे वापस थर्ड के पास जाएगा, थर्ड से टू के पास जाएगा, टू से फर्स्ट के पास जाएगा, तो इट इज फॉलोइंग स्टैक में। ठीक है, उसके बाद इसका यूज और भी प्रोसीजर में हो सकता है, इसका यूज करते हैं हम चेंजिंग बेस ऑफ द नंबर। किसमें? डेसिमल टू अदर बेस, डेसिमल टू अदर बेस करना है तो हम उसको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्टैक का। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? जो भी रिमाइंडर्स आते हैं, सपोज करो हम 13 को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रिमाइंडर 1 आया, क्वेश्चन 6 आया, 2 से डिवाइड कर रिमाइंडर 1 आया, 0 आया, क्वेश्चन 3 आया, फिर 2 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1 आया, क्वेश्चन 1 आया, 2 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1 आया, क्वेश्चन 0 आया। तो ये रिमाइंडर्स है, अगर हम इसको स्टैक में स्टोर करते तो ऑलवेज सबसे ये इसको रिवर्स ऑर्डर में रीड करता और हमको इसका बाइनरी मिल जाता, तो हम यहां पे स्टैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? सो हियर आई विल राइट अ प्रोग्राम, लेट मी रिमूव फर्स्ट देन आई एक्सप्लेन। बहुत टाइम लगता रिमूव करने में। सो हियर आई विल राइट अ प्रोग्राम विच विल कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू बाइनरी यूजिंग स्टैक। ठीक है, वेरी सिंपल प्रोग्राम आई विल राइट। सो सपोज देयर इज अ क्लास स्टैक, इट इज हैविंग थ्री थिंग्स, एन इंटीजर एरे, इट्स साइज एंड टॉप। Always, it will take a parameter for the size. तो size को initialize करा, ठीक है, top को initialize करा और array के लिए memory allocate करी।
फिर हम लिख रहे हैं स्टोर करने का फंक्शन पुश, विच इज टेकिंग अ पैरामीटर लेट्स से एक्स। तो सबसे पहले हम चेक करें क्या ओवरफ्लो तो नहीं है, तो अगर टॉप की वैल्यू साइज माइनस वन के बराबर है तो यहां पे ओवरफ्लो का मैसेज आएगा। अदरवाइज पहले टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे तो प्लस प्लस टॉप, टॉप माइनस वन है तो माइनस वन पे तो स्टोर नहीं कर सकते, तो पहले टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना था प्लस प्लस टॉप पे हमने स्टोर कर दिया एक्स को। ठीक, ये हो गया पुश। पॉप को मैं थोड़ा शॉर्ट कर ले रहा हूं, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो जो अभी आपको मैंने प्रिंटेड एग्जाम्पल दिखाया था ये वाला आप यही लिखोगे, ठीक है, एग्जाम में आ रहा है तो आप पूरा ये इसमें सब कुछ है वो लिखेंगे। ये एग्जाम्पल मैं आपको वर्किंग दिखाने के लिए कर रहा हूं, तो इसमें यहां पे मैंने अंडरफ्लो चेक नहीं कर रहा हूं, बिना चेक की अंडरफ्लो लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हम केवल पॉप में एक ही स्टेटमेंट लिख रहे हैं, आईएनटी पॉप रिटर्न एआरआर टॉप माइनस माइनस, टॉप जहां भी पॉइंट कर रहा है उसको रीड करके टॉप की वैल्यू को घटा दे। अब मैं एक मेन फंक्शन बना रहा हूं जहां पे मैंने स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, थर्टी टू मैंने ले लिया, इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल, फोर बाइट्स लेता है, फोर इंटू एट थर्टी टू, तो यहां वो ओवरफ्लो कभी नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी कंडीशन थी इसलिए चेक कर लिया। अब मैंने एक नंबर लिया एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने अभी 13 लिया था, तो मैंने एक लूप चलाया व्हाइल एन इज नॉट इक्वल टू जीरो ओबी डॉट पुश एन मॉडुलस टू, और फिर हमने कहा एन इक्वल टू एन डिवाइड बाय टू। तो हाँ, ये जो रिमाइंडर निकला इस प्रोसेस से वो सारे हम पुश करते जा रहे हैं। पुश करने के बाद मैं जब रीड करूंगा तो क्योंकि मैंने यहां पॉप की में कंडीशन नहीं लगाई है, टॉप की वैल्यू माइनस वन नहीं चेक किया, तो यहां मैं चेक करके ही आगे बढ़ूंगा। तो मैं यहां लूप क्या लगा रहा हूं, व्हाइल टॉप इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। अब टॉप तो दूसरे क्लास का वेरिएबल है तो यहां मैं डायरेक्ट टॉप तो नहीं लिख सकता हूं, यहां मुझे लिखना पड़ेगा ओबी डॉट टॉप, राइट, क्योंकि मेन के अंदर लिख रहा हूं, मेन स्टैटिक फंक्शन है, वी कैन नॉट यूज नॉन स्टैटिक वेरिएबल फ्रॉम द स्टैटिक कॉन्टेस्ट। ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक फंक्शन आप यूज नहीं कर सकते, तो हमें बताना पड़ेगा ये टॉप किस ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है, ठीक, उस जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखें। हमने लिखा ओबी डॉट टॉप इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, यहां केवल सिंपल सा स्टेटमेंट लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ओबी डॉट पॉप। तो यहां पे मैं इसका देखिए ये जो प्रोग्राम लिखा है स्टैक का यूज किया है, मेन में कुछ इसको इस तरह से यूज किया कि ये डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर दे रहा है। सो लेट्स डिस्कस, सो लेट्स सी हाउ इट इज वर्किंग। हाँ, ये लिख तो गया, अब वर्किंग समझिए। ये एक एरे है, इसका साइज 32 है, ठीक, आपने टॉप की वैल्यू को माइनस वन ले रखा है, एन 13 लिया हुआ है, मेन से कॉल करते जैसे ही हमने कॉल किया ऑब्जेक्ट बनाया ये यहां पे वैल्यू पास हो गई 32, तो साइज 32 हो गया, टॉप माइनस वन हो गया, एरे के लिए मेमोरी एलोकेट हो गई। बाकी ये पुश और पॉप तो जब जिस तरह से कॉल किया वैसे काम करेंगे। 13 लिया, 13 जीरो नहीं है लूप में, वाइल एन नॉट इक्वल टू जीरो सेटिस्फाइड, पहला है एन मॉडुलस टू से आएगा, 13 मॉडुलस टू इज वन, तो हम पुश कर रहे हैं वन, तो यहां पे एक्स की वैल्यू वन है बेटे, तो ये कंडीशन तो इफ वाली फॉल्स है, तो यहां आया इसने क्या कहा एआरआर प्लस प्लस, टॉप की वैल्यू क्या हो गई पहले प्लस प्लस हुई जीरो, जीरो पे स्टोर कर दिया वन, ठीक है,
टॉप के लिए माइनस वन थी तो प्लस प्लस टॉप से टॉप के लिए जीरो हो गई, वहां पे चला गया वन। इसके बाद एन इक्वल टू एन बाई टू हुआ, एन की नई वैल्यू हो गई सिक्स, एन की नई वैल्यू हो गई सिक्स। वापस इधर पहुंचा, कंडीशन चेक की सेटिस्फाइड हो रही है, फिर से पुश फंक्शन कॉल हुआ, यहां पे सिक्स मॉडुलस टू आया जीरो, तो इधर जीरो आएगा एक्स की वैल्यू, ये कंडीशन फॉल्स है, टॉप इक्वल टू साइज माइनस वन, टॉप की वैल्यू इस समय कितनी है जीरो है, तो यहां एल से पहुंचा प्लस प्लस टॉप, टॉप की वैल्यू कितनी हो गई वन, वन पे स्टोर हो गया जीरो। ठीक, एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू, एन की वैल्यू थ्री हो गई, लूप विल कंटिन्यू, एन जीरो तो नहीं है, एन मॉडुलस टू, एन मॉडुलस टू कितना है बेटा थ्री मॉडुलस टू वन, वन आएगा, वन को पुश किया गया, यहां एक्स की वैल्यू वन है, प्लस प्लस टॉप, टॉप की वैल्यू कितनी हो गई बढ़ के टू, और वहां पे स्टोर हो गया वन। ठीक, यहां पे स्टोर करने के बाद वापस इधर पहुंचा, एन की वैल्यू को अपडेट किया, वाई लूप विल कंटिन्यू, ट्रू है, वन मॉडुलस टू वन आया, पुश करा वन को, जब वन को पुश करा तो यहां फिर से भाई प्लस प्लस टॉप, टॉप की वैल्यू बढ़ के थ्री हो जाती है और वहां पे वन स्टोर हो जाता है। कंट्रोल पुश करने का तो वापस आया, एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू, एन हो गया जीरो, वाई लूप से बाहर आ गया। टॉप की वैल्यू इस समय किसको पॉइंट कर रहा है, टॉप इज पॉइंटिंग टू दिस, दिस वे वी हैव स्टोर्ड, नाउ विद द टाइम इज टू रीड, कब तक रीड करना, जब तक टॉप की वैल्यू माइनस वन नहीं है। टॉप की वैल्यू इसमें कितनी दिखाई दे रही है आपको, थ्री, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या कहा, ओबी डॉट पॉप ए आर आर थ्री को रिटर्न करेगा, ए आर आर थ्री पे क्या है वन है, ये आउटपुट आने वाला है वन, ए आर आर थ्री पे वन रिटर्न करा, उसके टॉप की वैल्यू को माइनस कर दिया, कितना हो गई टॉप माइनस हो गया टू हो गया, अभी टॉप नो पॉइंटिंग टू दिस, वाई लूप चला, टॉप की वैल्यू माइनस वन नहीं है, फिर से ट्रू, तो क्या किया, पॉप फंक्शन कॉल किया, ए आर आर टू को रीड करेगा, फिर टॉप की वैल्यू को माइनस कर देगा, टॉप इज पॉइंटिंग टू दिस नाउ, फिर से सेम प्रोसीजर, कंडीशन वाई लूप इज ट्रू, पॉप किया, इंडेक्स नंबर टॉप की वैल्यू वन है तो वन वाले को डिस्प्ले किया और टॉप की वैल्यू घटा के उसने जीरो कर दिया, अब नाउ जीरो को पॉइंट कर रहा है, अभी भी टॉप जीरो नहीं है, फिर से पॉप किया, ए आर आर जीरो को डिस्प्ले करेगा, रिटर्न करेगा, टॉप की वैल्यू को कर देगा माइनस वन, माइनस वन करने के बाद ये वाइल लूप कंडीशन क्या हो जाएगी, माइनस वन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, फॉल्स, बाहर आ गए, डेसिमल टू बाइनरी हो गया। अब एरे का डेटा टाइप बदल के यहां पे अगर हम डिवाइड बाई एट कर दे, मॉडुलस एट कर दे तो ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना तो करेक्टर टाइप करना पड़ेगा, कुछ और थोड़ा सा चेंज करेंगे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग एरे भेज दें यहां पे मेन से, यहां पुश करते हैं स्ट्रिंग एरे करेक्टर तो स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा, सो वी कैन यूज इट इन मेनी वेज, क्लियर सबको।